कल के लिए चिट्ठी है सीके सहगल, चिरंजीव कुमार सहगल। चिरंजीव कुमार सहगल वो तो मैं ही हूँ। तो लीजिए ना। तो दे दो ना, कमाल है, बात करता है। वाह रे सहगल, तुझे भी शादी के कार्ड आने लगा है, तेरा भी वक्त आ गया है, लगता है अब तू भी बड़ा आदमी बन गया है। ओ माय गॉड, नो, मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता है, नेवर। आप लोग जाकर खाना खा लीजिए। क्यों, क्या समझ लिया था? तेरी इतनी हिम्मत, वो तुम्हारे खानदान की निशानी है। अभी मैं बाटा से, मेरे जूते का नाम है रे। मेरी बेटी की जिंदगी में तूने आग लगा दी टकले। फिक्र मत करो सासू जी, मेरा जो बेटा होगा उसी से तुम्हारी चिता को आग लगवाऊंगा। कौन है रे? छोड़ो मुझे। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं अगर चाहूं ना तो तुम लोगों को कपड़े की तरह धोकर यूं भाग सकता हूं। मैं क्यों नहीं भाग रहा हूं तुम लोगों को पता है? मेरी रोजा एक न एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी, मेरी दीवानी होकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। चल रे, बड़े बड़े गुंडे भी हमारे सामने इस तरह से बात नहीं करते, तू क्या उनसे बड़ा है? सर, आप मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा बेशक पकड़ लीजिए, लेकिन मेरे बाल को पकड़ने की हिमाकत मत कीजिए, छोड़ दीजिए। हम खुद को हीरो समझता है, भागते हुए आकर उस लड़की के गले में मंगलसूत्र क्यों बांधा? इसलिए कि वो मेरी धर्म पत्नी बने। पर इतने स्पीड में आने की क्या जरूरत थी तुझे, बता। बदला सर, बदला। बदले की वजह? बाल। बाल? यस यस सर, मेरे सर के बाल को देखिए सर। तेरे सर पे तो बाल ही नहीं है। ये तो आज की बात है सर, पर एक साल पहले मेरे सिर पर बाल ही बाल थे। चाहिए तो आप एक बार मेरा फ्लैशबैक देख लीजिए सर। सर, एक जमाना था जब हमारे सर पर एकदम घने बाल हुआ करते थे, मैं हीरो की तरह दिखता था। यही नहीं, मेरे गांव में तो मेरे दादाजी की भी चर्चा हुआ करती थी, उनकी 70 साल की उम्र में भी एक भी बाल नहीं उड़े थे। उनके बालों की चर्चा आसपास के गांव में थी, उन्हें बालों का देवता मानते थे, सारे टकले उनके बालों की पूजा करते थे। उनको यकीन था कि उनकी पूजा से उनके सिर पर फिर से बाल उग जाएंगे। मेरे और दादा के बीच बहुत प्यार था, मैं उनके सफेद बालों से प्रेम करता था और वो मेरे काले बालों से प्यार करते थे, और हम दोनों ही एक दूसरे के बालों को सजाते थे, संवारते थे। और एक दिन मेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और वो लड़की रोजा मेरे घुंघराले बालों की दीवानी हो गई। अगले हफ्ते मेरी शादी थी, शादी के कार्ड भी छपवाने को दे दिए गए, शादी के कार्ड भी छप कर आ गए। मैं मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन तभी मेरे दादाजी मर गए। दादाजी के मौत के सदमे से मैं पागल सा हो गया, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, मैं उनकी याद में रोता गया, मैं उनके बगैर बिल्कुल अकेला सा हो गया। मैं उनकी समाधि के पास बैठा हमेशा रोता रहता था, और उसके बाद एक एक करके मेरे सारे बाल उड़ते चले गए। वक्त गुजरता गया और मेरे सिर के सारे बाल उड़ गए। और एक दिन अचानक मेरे सास ससुर और मेरे होने वाली पत्नी मेरे घर पर आए। मैंने सोचा मेरी शादी के फिर से मुहूर्त निकालने के लिए आए हैं, पर ससुर ने कहा यह शादी नहीं हो सकती। मैं शौक में आका वजह पूछा, मेरी सास ने कहा मेरी बेटी टकले से शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर मैं और शौक डूब गया। मैंने कहा शराबी जुआरी को इनकार कर सकती है, लेकिन टकले को इनकार क्यों कर रही है, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव पकड़ा। लेकिन अगर आदमी दुबला हो गया हो तो वो मोटा हो सकता है, अगर मोटा हो गया हो तो दुबला हो सकता है, पर इस टकले का कोई इलाज नहीं है। पर टकला आदमी नालायक तो नहीं होता ना? करेक्ट है टकले,
मेरी बेटी का मानना है कि टकले के सर पर सहरा नहीं टिकेगा, लोग हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसी बात है सर तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं सर। मेरी बेटी ने तुम्हारे घुंघराले बाल देख के पसंद किया था। मेरी प्यारी रोजा, घर संसार बालों से नहीं बसते हैं, दिल से बसा करते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो चेहरा वेहरा नहीं देखते हैं। अगर तुम्हें बालों से इतना ही प्यार है तो मैं एक अच्छा सा विक ले लूंगा। I'm sorry, कूली से कर लूंगी, ड्राइवर से भी शादी कर लूंगी, लंगड़े से भी शादी कर लूंगी, पर टकले से कभी नहीं। मम्मी चलो। रोजा 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 ऐसे मत जाओ छोड़ के। अरे अब मेरा क्या होगा, ये कहाँ का न्याय है सर? बास्केट, बास्केट, बास्केट। सर आपका भी तो यही हाल है, एकदम सपाट सड़क है। yes. सर आपके टकले को देखकर आपकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा, हाँ? चुपचाप बाजू वाले के साथ भाग। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी माय बॉय, वो घमंडी लड़की को लेकर आऊंगा और तुम्हारा घर संसार बनाऊंगा। दिस इज माय प्रॉमिस। सर मैं इनके ससुराल गया हुआ था सर, वहाँ ताला लगा हुआ है सर। ताला लगा है? हाँ सर, कोई टकला उनकी बेटी के गले में मंगलसूत्र डाल गया और उनके सम्मान को सह न सके और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, और इस हादसे के बाद पूरी फैमिली सिंगापुर चली गई सर। अरे थैंक यू। सिंगापुर चले गए हैं ये सोचकर ये टकला इन्हें भूल जाएगा, और उस रोजा की शादी मैं किसी सेकंड हैंड पागल से करवा दूंगा, और उसके बाद उसकी छोटी बहन से मैं शादी कर लूंगा। आहा। लेकिन क्या ऐसा पागल मुझे मिलेगा जिसके सर पर बाल ही बाल हो? कहाँ मिलेगा ऐसा पागल? मेरा दिल तो ता बन जाए, कसम मिट मिट बोले हाय। देखो देखो ये ना गिरिराज है, इसकी शादी हमारी त्रिशा से होने वाली है। हाय गिरी। हेलो दादी, मेरी दादी, प्यारी दादी, कैसा मेला लगा है, कैसी हो दादी? फाइन फाइन, ये सब जो कन्याएं बैठी हुई है ना अपनी त्रिशा की फ्रेंड्स। हेलो हेलो, आप अचार बेचते हैं क्या? इतनी बेकार किस्मत नहीं है मेरी, अपनी त्रिशा के लिए अचार और खाने के लिए चीजें लेकर आया हूँ। सॉरी गिरिराज, त्रिशा इस हालत में नहीं है कि अचार खाए। क्या हुआ मेरी त्रिशा को? आप सुनेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। मेरी बॉडी आयरन की है, मैं शॉक नहीं होऊंगा, बोलो। कैसे बताऊं बोलो, अगर तुझे बताऊंगी तो तू गुस्से के मारे चिल्लाने लगेगा। अरे जल जाने के लिए, राख हो जाने के लिए, क्या मैं कोई लकड़ी हूँ जो जल करके राख हो जाऊंगा? बोलिए दादी बोलिए। मेरी त्रिशा बंसी नाम के एक स्मार्ट लड़के के साथ। बंसी नाम के स्मार्ट बॉय के साथ? देखा बिना बोले गुस्सा आ गया ना। अरे आप इसे गुस्सा बोल रही हैं, हमारे एरिया में तो इसे खुशी कहते हैं। क्या है ना गिरी जी, तुम्हारी होने वाली बीवी त्रिशा बंसी नाम के लड़के के प्यार में पड़ गई है। तुम्हारा वजन कितना है बताओ? 50 किलो। हाँ अब मेरा वजन बताओ। वजन नापने के लिए वेट मीटर होते हैं बाबू, इतने करीब आओगे तो दिल आ जाएगा और करीब आओगे तो पेट आ जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए त्रिशा? कौन है? मैं हूँ जहांपनाह, आपका इकलौता सेनापति। बंशी अगला जन्म पिछला जन्म बोलकर हमारी त्रिशा को बेवकूफ बनाता है तू। मेरी होने वाली बीबी को झूठी झूठी कहानी बताकर फंसा लिया है तुमने इसको। मैं बेवकूफ बनने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। ओए मोशाद अली, अरे इस जन्म में हमको अलग करने के लिए तो पैदा हुआ हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बदमाश। पता है कौन है? गिरिराज है। अरे इस जन्म में तो ये तुम्हारा बावर्ची है, पिछले जन्म में बड़ा धोखेबाज था। धोखेबाज नहीं हूँ। क्या यही धोखेबाज था? इसी ने हमारे पिताजी को हमारे प्यार के बारे में भड़काया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। तुमने वापस जन्म क्यों लिया? बोलो ना। मैंने कहा जन्म ले लिया, मैं तो पैदा हो गया जहांपनाह। छोड़ो मुझे। अरे त्रिशा बोलो, मारे मुझे लेकिन जान से न मारे। छोड़ो, भागो ना भाई। Hey!